त्रिज्या है ना बेटा, सबको पता है 6400 किलोमीटर त्रिज्या किसकी होती है, पृथ्वी की, या त्रिज्या वाली 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाली पृथ्वी, पृथ्वी की विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए, विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, अब इसी प्रश्न को एक और तरीका बेटा पूछने का, इसमें क्या पूछा, देखो 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए, एक तरीका है बेटा। या ऐसा बोल सकता था, पृथ्वी को एक गोली चालक माना जा रहा है जिसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, तो धारिता ज्ञात कीजिए, दो तरीके से पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए हमको विद्युत धारिता निकालना है ना, तो हम यहाँ पर जब भी हम पृथ्वी को हल करते बेटा, पृथ्वी की धारिता ज्ञात करते, तो अपन क्या मानते हैं, पृथ्वी एक क्या गोला है ना, और आप जानते हैं पिछले क्लास में पढ़ा बेटा, गोली चालक की है ना, गोली चालक की विद्युत धारिता, गोली चालक की क्या निकाले थे बेटा, विद्युत धारिता कितना होता है, सी बराबर 4π ε0 × R, इतना होता है बेटा, है ना, ये आपको ध्यान। ठीक है, अब अपने को क्या दिया बेटा, दिया है क्या, दिया है पृथ्वी की त्रिज्या कितना दिया, 6400 किलोमीटर, तो हम इस किलोमीटर को पहले बदलेंगे बेटा मीटर में, 6400 × 10³ मीटर। ठीक है, अब देखो बेटा आपको हमेशा इसका वैल्यू आपको याद नहीं होगा है ना, लेकिन आपको क्या याद है बेटा, 1/4π ε0 बराबर क्या लिखते हो, 9×10⁻⁹। ठीक है, 9×10⁻⁹, तो हम इसको इधर भेज देते हैं बेटा, तो 4π ε0 1/9×10⁹ ऐसा। ठीक है, अब इन दोनों के मान को आप यहां रख दीजिए बेटा, आसानी से बन जाएगा है ना, ये आपको ध्यान रखना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप इसको पहले इस तरीके से बदल लेंगे। ठीक है, अब दोनों के मान को रख दो तो कितना आ जाएगा, देखो 1/9×10⁹ है ना, त्रिज्या कितना बेटा 6400 किलोमीटर, तो 10³। ठीक है बेटा, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 64/9, ये देखो 2 और ये 3 5, 5 में से 9 गया बेटा 4, तो ये 4 ऊपर जाकर क्या होगा, -4 हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिए तो 9 7 कितना जाएगा बेटा 63, 9 7 63, 10 लगाएंगे बेटा 1 बचेगा है ना, 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, ये आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, फैराड, या हम इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर मैं इस दोनों दशमलव को यहां कर दूं बेटा शिफ्ट, तो ये क्या रहेगा 10⁻⁶ फैराड, ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैराड, ऐसा, तो ये उसका आंसर आ गया बेटा है ना, ये आपको ठीक, ये आपको ध्यान। ठीक है बेटा, अगर हमको इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछता, सिंपल पूछता, क्या क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की धारिता ज्ञात कीजिए, धारिता ज्ञात कीजिए, सिंपल पूछ रहे बेटा, या इसी को हम एक और तरीका क्वेश्चन को पूछने का, ये हमारे पास एक पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी, और इसको हमने क्या कर दिया बेटा, अर्थिंग है ना, पृथ्वी को हमने किससे कर दिया, या इसी को हम पृथ्वी ना बोलकर हम क्या बोल देते, गोली चालक है ना, कोई गोली चालक, और हमने इसको क्या कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया इस तरीके से, ये अर्थिंग का सिंबल कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, अर्थिंग का सिंबल है ना, ये पृथ्वी से जोड़ने पर। ठीक,
अब ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक होगा बेटा। हमको बोला गया पृथ्वी धारिता ज्ञात करता, हम सबको जानते बेटा पृथ्वी का विभव कितना होता है, पृथ्वी का विभव कितना मानते हैं बेटा, शून्य है ना। तो पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होगी, पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी हो जाएगी बेटा, अनंत। पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी जगह बेटा, अनंत। या किसी चालक हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो भी उस चालक का विभव क्या हो जाता है, शून्य है ना, तो उसकी धारिता क्या जाएगी, अनंत। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा बेटा, बस जब पृथ्वी बोले तो ऐसा लिखना, और जब बोलेगा गोली चालक तो यहां लिखना गोली चालक का विभव शून्य, गोली चालक की विद्युत धारिता अनंत होगी, ठीक है बेटा। ये आपको ध्यान रखना, तो दोनों प्रकार से हम इस प्रश्न को जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चले, ये देखिए एक और प्रश्न लेते हैं बेटा, है ना, क्या ले रहे, देखो एक और प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। 10 सेंटीमीटर बहुत छोटा है ना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या व के एक, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक चालक, एक चालक है ना, गोले को, एक चालक गोले को प्लस है ना 4 माइक्रो कूलाम प्लस 4 माइक्रो कूलाम आवेश है ना बेटा दिया जाता है तो गणना कीजिए, ठीक है बेटा। पहला क्या गणना कर रहे हैं इसके अंतर्गत, है ना, पहले हमको निकालना चालक की धारिता, क्या निकालना बेटा, चालक की धारिता, और फिर दूसरा निकालना अपने चालक का विभव, चालक की धारिता, दूसरा चालक का विभव, ये आपको जाना, ठीक है बेटा, ये अपने को बनाना है। तो चालक की धारिता, दूसरा चालक का विभव, ये आपको ज्ञात करना है बेटा। चलिए तो चालक हमको क्या दिया बेटा, गोले चालक, देखो एक चालक गोले है ना, जो चालक है वो क्या गोला है, ठीक है, ये आपको ध्यान। हमको दिया क्या, पहले ये लिख लेते बेटा, दिया है क्या, दिया आवेश है ना, आवेश कितना दिया बेटा, 4 माइक्रो कूलाम यानी 4×10⁻⁶ कूलाम त्रिज्या, उस गोले चालक की त्रिज्या कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर बदल तो -2 मीटर 10⁻¹ मीटर ये हो जाएगा है ना। ये अब हमको निकालना धारिता, चालक की धारिता, अब कौन सा चालक है बेटा, गोला, तो गोले चालक की धारिता कितना होता है, होता है 4πε₀ × R, ठीक। अब आप इसको हल कर देंगे बेटा, ये देखो सी, इसका मान कैसे रखते हैं, 1/ डायरेक्ट लिख दिया, 9×10⁻⁹ लिख दिया, करिए बेटा त्रिज्या 10⁻¹ मीटर याद रहेगा है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये ऊपर जाकर क्या होगा, 10⁻¹ अब एक से भाग देंगे बेटा जाएगा नहीं, तो क्या लगेगा 0.10 हो जाएगा, 9 × 9 = 9 × 9 = 9 ऐसा जाते रहेगा बेटा है ना, ठीक। तो मैं यहां से इसको ऐसा लिखूं, 1 2 तो ये कितना है, 10⁻¹ देखो ठीक है ना, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं। और आप जानते हैं धारिता का मात्रक क्या था बेटा, फैराड,
अब 10 की घात माइनस 12 को क्या लिखेंगे? पीको फैराड, याद है ना, ये पीको फैराड, ये धारिता का छोटा मात्रा के लिए यूज करते, पीको फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, मिली फैराड, आपको याद होगा हमने पिछले क्लास में बात की है बेटा। अब हमको निकालना है चालक का विभव, चालक का विभव, तो विभव बराबर क्या होता है बेटा, है ना, विभव बराबर क्या होता है, याद है ना, क्यू बराबर क्या लिखते हैं, सी भी, तो विभव बराबर क्या लिखेंगे, क्यू बटे सी, क्लियर, या आपको ध्यान। अब क्यू का मान कितना दिया बेटा, क्यू का मान दिया है 4×10⁻⁶ कूलम, धारिता कितना दिया बेटा 11.1×10⁻¹2 -12, है ना, फैराड, तो 6 कट जाएगा बेटा 4, 11.1, ये 6 बचे, ऊपर जाकर क्या करेगा प्लस 6 ऐसा, है ना, तो अब हम यहां से 1 0 इसको देंगे कितना है? ऐसा 40 हो जाएगा, है ना, ये आपका इधर जाएगा 11.1, ये हो जाएगा 5, तो 11 से भाग दे सकते हैं बेटा, 11 3 33 बचा कितना बोलो 7.1 लगा लीजिए 70 हो जाएगा, 11 6 66 4 बचा, फिर शून्य बढ़ा दीजिए 11 3 33, है ना 33, तो एक हम क्या लेते हैं सिग्निफिकेंट 4×10⁵ बोल्ट, ठीक है बेटा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको छोटे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना बेटा, है ना, आपको न्यूमेरिकल को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आप जानते हैं बेटा जो भी हम कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं उसमें मस्ट बी न्यूमेरिकल, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। और अभी तक के कोई बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास में एडमिशन नहीं लिया बेटा तो ऊपर ऊपर देखिए, है ना, कॉन्टेक्ट नंबर दिया जा रहा है, आप उसमें फोन करके कॉन्टेक्ट कर सकते बेटा, है ना, और एडमिशन ले लीजिए बेटा, ठीक है, क्लियर, लाइक करना मत भूलिए बेटा, कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है, और जो बच्चा पहली बार देख रहा वीडियो हमारा वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेटा, ठीक है, ओके बेटा। चलिए आगे देखें बेटा नेक्स्ट, ये देखिए उसके बाद अपन देखते क्या है, देखिए ध्यान से, उसके बाद अपन देख रहे बेटा संधारित्र, है ना बेटा, तो क्या देखेंगे संधारित्र, ठीक है बेटा, ये देखो संधारित्र, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको कैपेसिटर, क्या बोलते हैं बेटा कैपेसिटर, संधारित्र मतलब कैपेसिटर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, तो संधारित्र होता क्या ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना, तो संधारित्र का हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सिद्धांत, ठीक है बेटा, तो विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा, विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करने के लिए, वो संचित करने की प्रत्येक चालक की एक निश्चित क्षमता होती है बेटा, है ना, क्या बोला मैंने, एक निश्चित क्षमता, कोई भी चालक हो बेटा तो एक निश्चित क्षमता से विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को क्या कर सकता है, संचित कर सकता है, उसे हम लोग उस चालक की क्या बोलते हैं बेटा विद्युत धारिता, क्या बोलते हैं बेटा विद्युत धारिता, ठीक है, अगर हम उस चालक की जो विद्युत धारिता है उसको विशेष प्रयोजन से, क्या बोला बेटा, किसी भी चालक की विद्युत धारिता को अगर हम किसी विशेष प्रयोजन से, प्रयोजन से, प्रयोजन द्वारा बढ़ाया जा सकता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं संधारित्र, मतलब हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं किसी भी विशेष प्रयोजन की सहायता से, तब हम उसको क्या बोलेंगे संधारित्र बोलते हैं, इसीलिए हम परिभाषा में हमेशा क्या लिखते हैं बेटा संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन
बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाई जाती है, उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाई जाती है। ठीक है बेटा, उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाई जाती है। क्लियर? या इसका उपयोग अत्यधिक मात्रा में विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा को संचित करने के लिए किया जाता है बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो देखिए बेटा, तो हम देखते हैं, जैसे सपोज करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्या एक चालक है बेटा। क्या है? एक चालक। अब इस चालक का नाम क्या रखा बेटा? एम। अब हम इस चालक को आवेश दे रहे हैं प्लस क्यू। ये जो चालक को हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, यह पूरा का पूरा जो आवेश है वो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है बेटा, इसकी चालक की सतह पर यह आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाती है। ठीक है बेटा, वितरित हो जाती है। क्लियर? ये आपको ध्यान। अब हम चाहते हैं कि इस चालक की, ये जो चालक एम है, इसकी क्या बढ़ जाए बेटा? इसकी धारिता बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? इसकी धारिता बढ़ जाए। अब कैसे बढ़ाए इसकी धारिता को? अगर आप धारिता का सूत्र को देखते हैं बेटा, तो C बराबर क्या लिखते हैं? क्यू बटे वी। ये देखो, अगर इस सूत्र को ध्यान से देख रहे बेटा, तो आपके जहन में दो बातें आ रही होंगी। सर, अगर हमको इस धारिता को बढ़ाना है तो इस आवेश को बढ़ाना पड़ेगा, पहला आपके दिमाग में आ रहा होगा बेटा, है ना? ये आपको ध्यान, पहला आपके ध्यान में क्या जा रहा होगा कि आवेश Q को बढ़ाना है सर। अगर हम Q को बढ़ाएंगे सूत्र के हिसाब से तो धारिता बढ़ेगा, है ना, ये लग रहा होगा। लेकिन जब वास्तव में रियली में बेटा, जब हम किसी चालक का आवेश को बढ़ाते हैं तो वास्तव में उसकी धारिता में उसका विभव बढ़ता है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं बेटा, Q समानुपाती है V, है ना। आवेश को बढ़ाने से विभव बढ़ता है। जैसे मैंने मान लो आवेश को बढ़ाया एक कूलम्ब शून्य से, तो उसका विभव भी शून्य से बढ़कर कितना रहेगा? एक वोल्ट हो जाएगा। अगर हमने आवेश को बढ़ाया दो कूलम्ब, शून्य से दो कूलम्ब कर दिया, तो उसका विभव भी बढ़कर कितना होगा? दो वोल्ट हो जाएगा। अब दोनों स्थिति में देखो बेटा, पहली स्थिति देखो या चाहे दूसरी स्थिति, अगर हम पहली स्थिति में अगर धारिता निकालते हैं तो कितना आएगा? एक कूलम्ब बटे एक वोल्ट। दूसरी स्थिति में अगर हम निकालते हैं दो कूलम्ब बटे दो वोल्ट, तो रियली में देखो क्या है, दोनों में मान धारिता का क्या है? नियत आ रहा है, और कितना रहा बेटा? एक। या आपको ध्यान, इसीलिए मैंने बोला बेटा, जब आवेश को बढ़ाते हैं तो सूत्र में देखने से ऐसा लगता है कि धारिता बढ़ेगा, लेकिन रियली में बढ़ता कौन है बेटा? विभव। आवेश को बढ़ाओगे तो विभव बढ़ता है, धारिता हमेशा नियत रहता है बेटा, है ना। क्या रहता है? धारिता नियत रहता है। यह आपको ध्यान रखना। दूसरा चीज है बेटा, अब इससे तो हमारा काम नहीं बना, हमको चाहिए धारिता को बढ़ाना, तो दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगा विभव को कम कर देते हैं सर। क्या कर देते हैं? विभव को कम। अगर हम विभव को कम करते हैं तो धारिता बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, अगर हम विभव को कम कर देते हैं तो चालक की धारिता बढ़ जाती है। हम इसी सिद्धांत को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम चाहते हैं कि इस चालक के आकार एवं आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किए बिना हम इसके विभव को कम करना चाहते हैं। अब इसके विभव को कम करना है तो बेटा हमको क्या करना पड़ेगा? इसके समीप में हमको एक अन्य चालक लाना पड़ेगा। इसके समीप में क्या लाएंगे बेटा? एक अन्य चालक, और उस अन्य चालक का नाम क्या बेटा? एन। नाम रख देता हूं बेटा एन। जैसे हम इस अन्य चालक को इसके समीप में लाते हैं बेटा, कहां लाते हैं? समीप में। ये देखिए, है ना, जैसे आप समीप में लाते हैं क्या आ जाता है? इसके कारण क्या गया यहाँ पर? प्रेरित आएगा, याद है ना बेटा? ये देखो, और आपको याद भी होगा, हमने बताया भी था, प्लस क्यू चार्ज का प्रेरित आवेश माइनस क्यू होता है बेटा, और माइनस क्यू आवेश का प्रेरित आवेश प्लस क्यू होता है। तो प्रेरित आवेश हमेशा चालक में विपरीत प्रकृति का होता है, लेकिन समान परिमाण। प्लस क्यू है तो प्रकृति बदल जाएगी, माइनस हो जाएगी, लेकिन परिमाण सेम रहेगा, माइनस है तो प्लस। तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इसके आंतरिक सतह पर ये वाला सतह जो एम की ओर है समीप में, यहां पर प्रेरित आवेश कितना आएगा बेटा? माइनस क्यू, है ना। और इसके बाह्य सतह पर, ये जो बाह्य सतह बेटा,
यहां कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश आ जाएगा, इसकी बाह्य सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा, ये आपके ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तभी तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत का पालन हो रहा है, देख लो बेटा, है ना, ये आपके ध्यान। तो यहां माइनस क्यू आएगा और इधर प्लस क्यू आएगा, और ये जो आवेश आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रेरित आवेश, ये प्रेरित आवेश है बेटा, है ना। अगर आपको किसी बच्चे को प्रेरित आवेश निकालना नहीं आता है, तो मेरे ख्याल से हमारा दूसरा और तीसरा वीडियो आवेश का जो संबंधित जो वीडियो है बेटा, एक से लेकर के चार तक, है ना, वो वीडियो आप देखिए, तो वहां पर हमने प्रेरण विधि पढ़ाया बेटा, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा एक एक चीज, ठीक है, उसको दोबारा एक बार रिमाइंड कर लीजिए बेटा। चलिए, जैसे प्रेरित आवेश आता माइनस क्यू प्लस क्यू, ये आपको ध्यान से प्रेरित आवेश। अब क्या करेगा बेटा, ये जो माइनस क्यू आवेश होता है, ये जो माइनस क्यू आवेश, ये जो चालक एम है, इसके आवेश को क्या कर देता है, कम, है ना, माइनस क्यू आवेश, ये जो चालक एम है इसके विभव को कम कर देता है, ये विभव को कम कर देता है, कम कर देता है, ये विभव को कम कर देता है। अब सोच रहे हो विभव को कम कैसे कर देगा माइनस क्यू आवेश, तो जब भी हम लोग बेटा एक से ज्यादा आवेश के कारण अगर हम किसी पर विभव निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, विभव, तो कैसे निकालते हैं, अभी इसको थ्योरेटिकल समझिए बेटा, आगे के आर्टिकल में मैं इसको मैथमेटिकली ट्रीटमेंट करके देता हूंगा, है ना, ये आपको ध्यान। तो जब भी एक से ज्यादा आवेश के कारण हमको विभव निकालना रहता है, तो पहले निकालते हैं बेटा स्वयं के कारण विभव प्लस दूसरे आवेश के कारण विभव, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बेटा, इसका मतलब क्या, स्वयं के आवेश के कारण विभव विभव। तो जैसे हमको चालक एम पर विभव निकालना है, तो एम के स्वयं के आवेश कौन है बेटा, प्लस क्यू आवेश, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण विभव कैसा होगा, जैसा आवेश वैसा विभव, धनात्मक होगा, क्योंकि आप जानते हैं इसका आवेश कैसा है बेटा, पॉजिटिव, तो इसका विभव भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्लियर। दूसरा आवेश कौन सा बेटा, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू आवेश, दूसरा आवेश कौन है, माइनस क्यू, तो उसका विभव क्या होगा, माइनस। तो देखो प्लस और माइनस को जोड़ेंगे ना बेटा, तो कुछ ना कुछ इसका विभव को क्या कर देगा, कम कर देगा, इसीलिए हमने लिखा बेटा विभव को कम कर देता है माइनस क्यू आवेश, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश क्या करेगा बेटा, ये जो प्लस क्यू आवेश है वो विभव को बढ़ा देता है, विभव को बढ़ा देता है। अब कैसे बढ़ाएंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, दूसरा आवेश क्या होगा, प्लस, तो प्लस के कारण विभव क्या होगा, प्लस ही होगा, तो प्लस प्लस क्या देंगे, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ना, कितना बढ़ेगा वो मत देखो, लेकिन कुछ ना कुछ तो बढ़ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, विभव को बढ़ा देगा। हमारे सिद्धांत अनुसार क्या था बेटा, हमको विभव को कम करेंगे तो चालक की धारिता बढ़ती है, तो हम चाहते हैं बेटा किसी भी तरीके से जो एम प्लेट है इसके बाह्य सतह का जो माइनस आवेश है वो यहां से भाग जाए, गायब हो जाए, है ना बेटा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये जो एम प्लेट है इसके बाह्य सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है बेटा, इसकी बाह्य सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है ना, पृथ्वी से जोड़ने पर, जैसे हम इसको पृथ्वी से जोड़ते हैं बेटा, तो पृथ्वी से क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आएगा और यहां पर उपस्थित जितने भी धन आवेश है उसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा बेटा, न्यूट्रल कर देता है, या ऐसे हो सकते, ये पूरा का पूरा जो प्लस क्यू आवेश है वो कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। जब पृथ्वी में चला जाएगा बेटा, तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रेरित आवेश माइनस क्यू होगा जो इसके विभव को घटा रहा होगा, अर्थात इस चालक एम का धारिता बढ़ गया होगा, क्या बढ़ गया बेटा, धारिता, ये आपको ध्यान। इसी सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, संधारित्र कहते हैं, ये आपको ध्यान, क्या बोलते हैं बेटा, संधारित्र, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना, इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, संधारित्र। अब संधारित्र का संकेत कैसे बनाते हैं, है ना, तो संधारित्र का हम संकेत कैसे बनाते, देखिए बेटा ये, ठीक, तो संधारित्र का हम संकेत बनाते हैं बेटा, दो समानांतर लाइन को ऐसा खींचकर हम संधारित्र का संकेत बनाते हैं, यह संधारित्र का संकेत है बेटा, ठीक है, यह आपको ध्यान, ये क्या है, संधारित्र का संकेत। अगर हम संधारित्र के ऊपर इस तरीके से अगर बना दे बेटा,
ऐसा। ये क्या कह रहा था, परिवर्ती परिवर्ती संधारित्र का संकेत है, ठीक है। या आपको ये संधारित्र का संकेत हो गया बेटा, या आपको ध्यान, और ये परिवर्ती संधारित्र, ठीक। अब संधारित्र के ऊपर कुछ चर्चाएं कर ले बेटा, खास खास बातें। पहली बात है, नोट नंबर वन, नोट नंबर वन, प्रत्येक संधारित्र में बेटा पूर्ण आवेश हमेशा क्या होता है, शून्य। जितना प्लस क्यों उतना ही माइनस क्यों, तो कुल संधारित्र है ना, प्रत्येक संधारित्र पर कुल आवेश का मान क्या बोलेंगे बेटा, शून्य होता है। कुल आवेश का मान क्या बोलेंगे, शून्य होता है, ठीक। दूसरी बात बेटा, नंबर दो है ना, प्रत्येक संधारित्र के मध्य, प्रत्येक संधारित्र के मध्य परावैद्युतांक, क्या बोलते हैं बेटा, परावैद्युतांक माध्यम जैसे वायु हो सकता है बेटा, है ना, मोम हो सकता है बेटा, अभ्रक है ना, मोम वायु, मोम अभ्रक या कोई और अन्य माध्यम है ना बेटा, जैसे कि कांच आदि भरा रहता है, आदि भरा रहता है, ठीक है, याद रखना। ये सब परावैद्युतांक माध्यम है बेटा, तो नेचुरली मस्ट भी इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ माध्यम होना ही चाहिए, यह आपको ध्यान रखना, ठीक, तभी यह संधारित्र के समान कार्य करेगा। तीसरी बात, दोनों संधारित्र के, क्या बोल रहा बेटा, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बहुत अधिक ना हो, अगर ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बहुत अधिक हो जाएगा तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर क्या उत्पन्न नहीं होगा बेटा, प्रेरित आवेश, क्या उत्पन्न नहीं होगा बेटा, प्रेरित आवेश उत्पन्न नहीं होगा, तो ये संधारित्र के जैसा कार्य नहीं करेगा, ये बात भी आप याद रखेंगे बेटा, क्लियर, ये आपको ध्यान, ठीक है बेटा। कुछ और चर्चा कर ले, चौथा पॉइंट देखते हैं बेटा, है ना, संधारित्र के आवेश या विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित करता है बेटा, है ना। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम जो विद्युत उपकरण बनाते हैं वो है विद्युत पंखा, विद्युत मोटर, वहां पर जो संधारित्र होता है वो आवेश को संचित करता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा को संचित करने के रूप में उपयोग में लाते हैं बेटा, ठीक है। पांचवा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में दोलित्र की क्रिया, क्या क्रिया बेटा, दोलित्र की क्रिया, रेडियो को ट्यूनिंग आदि में इनका उपयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान, ठीक है बेटा। फिर आता है उसका संधारित्र की निर्भरता, ठीक है बेटा, कोई भी संधारित्र की निर्भरता है ना बेटा, कोई भी संधारित्र, किसी भी प्रकार के संधारित्र की निर्भरता क्या होती है बेटा, पहला इसके आकार और आकृति पर ध्यान देता है बेटा, किस पर निर्भर करती है, किसी भी संधारित्र की निर्भरता पहला क्या बेटा, उसके प्लेटों के आकार एवं आकृति, दूसरा उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, और तीसरा उन दोनों प्लेटों के बीच माध्यम क्या है बेटा, तो इन तीन बातों पर ध्यान देना है, ये तीन बातों पर निर्भर करता है, क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान रखना, ओके बेटा, थैंक यू।